हेलो फ्रेंड्स, सृष्टि डिजिटल वर्ल्ड में आपका फिर से स्वागत। फ्रेंड्स, कंप्यूटर में डिवाइस मैनेजर काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हर कंप्यूटर यूजर को डिवाइस मैनेजर के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिवाइस मैनेजर एक ऐसा कंसोल है जहां से आपके कंप्यूटर में जितने भी हार्डवेयर या जितने भी डिवाइस कनेक्टेड हैं वो सारा डिवाइस मैनेजर से ही कंट्रोल होता है। अगर आप डिवाइस मैनेजर के बारे में जान लेते हैं तो आपका कंप्यूटर को मैनेज करना बहुत आसान हो जाएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। तो चलिए हम कंप्यूटर में चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि डिवाइस मैनेजर्स को कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो ये हमारा कंप्यूटर है। अब डिवाइस मैनेजर में जाने के लिए कई तरीके हैं। एक तो ये है कि आप अपने दिस कंप्यूटर पे राइट बटन क्लिक कीजिए और मैनेज में जाइए। ये कंप्यूटर मैनेजमेंट ओपन हो जाएगा। यहाँ है डिवाइस मैनेजर और यहाँ पे आपको ये डिवाइस मैनेजर का कंसोल मिल गया। डिवाइस मैनेजर एक तरह का ये कंट्रोल पैनल है जहाँ से आप हार्डवेयर डिवाइसेस को कंट्रोल करते हैं। इसको माइक्रोसॉफ्ट कंसोल भी कह सकते हैं, इसको माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट कंसोल कहते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप कंट्रोल पैनल में जाइए और यहाँ आपको डिवाइस मैनेजर दिख जाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहां से आपको डिवाइस मैनेजर दिखेगा। अब यहां देखने वाली चीजें ये है, आपको आपके कंप्यूटर में जितने भी हार्डवेयर है वो सारा हार्डवेयर का लिस्ट यहां आपको मिल जाएगा। जैसे ये साउंड का है तो यहां पे साउंड का दिखा रहा है, ये माइक का है और ये साउंड का है। उसी तरह हमारे कंप्यूटर में अगर ब्लूटूथ डिवाइस लगा हुआ है तो ये ब्लूटूथ डिवाइस दिख जाएगा। ये कंप्यूटर है, ये डिस्क ड्राइव है, जो आपके कंप्यूटर में कितने हार्डवेयर हार्ड डिस्क लगा हुआ है। तो मेरे कंप्यूटर में दो हार्ड डिस्क लगे हुए हैं तो यह दो हार्ड डिस्क दिख रहा है। उसके बाद ये सीडी रोम है जो हमारे कंप्यूटर में लगा हुआ है, ये डीवीडी राइटर है, ये दिख रहा है। ये आईडी कंट्रोलर है जहाँ से आपके जैसे कोई भी अगर आईडी डिवाइस लगा हुआ है, साटा हो या आईडी हो, जो भी कंट्रोलर्स में आईडी कंट्रोलर में लगा हुआ है वो यहाँ दिख जाएगा। ये कीबोर्ड है, ये माउस है, ये मॉडेम्स हैं, ये मॉनिटर है, ये नेटवर्क एडेप्टर्स हैं, ये अदर डिवाइसेस में आपको यहाँ पे आ जाएगा जो भी आप कनेक्ट करेंगे। ये पोर्ट्स है, जैसे कॉम पोर्ट और एलपीटी पोर्ट है, एलपीटी पोर्ट जिसको पैरेलल पोर्ट कहते हैं। ये प्रिंट क्यू है। तो यहाँ पे सारा हार्डवेयर आपको यहाँ दिख जाएगा। यहाँ पे यह यूएसबी कंट्रोलर है, यूएसबी के जितने भी आपको हब इसमें लगे हुए हैं, फ्रंट हो या बैक हो, जो भी फ्रंट यूएसबी या बैक यूएसबी हब लगे हुए हैं उसका यहाँ पे आपको दिख जाएगा। सिस्टम डिवाइसेज है जो आपके मदरबोर्ड से कनेक्टेड है वो सारा यहाँ दिख जाएगा, चाहे वो सीमोस बैटरी हो, ठीक है, या स्पीकर हो, सिस्टम टाइमर हो, ये मदरबोर्ड के ऊपर जितने भी लगे हुए हैं सिस्टम से इंटीग्रेटेड है वो सारा यहाँ पे दिख रहा है। अब यह डिवाइस मैनेजर का आपको लिस्ट तो दिख गया कि इसमें इतने सारे डिवाइस कनेक्टेड है। अब इससे हमें क्या करना है? देखिए, अगर आपके कंप्यूटर में कोई भी डिवाइस प्रॉपर काम नहीं कर रहा है या काम करना बंद कर दिया है तो आप इस डिवाइस मैनेजर में आकर के उसको एनालाइज कर सकते हैं कि यह प्रॉब्लम कहाँ पे है। हार्डवेयर का फॉल्ट है या हार्डवेयर का ड्राइवर का फॉल्ट है या क्या है। कंप्यूटर में जितने भी हार्डवेयर लगे हुए हैं उसको कंट्रोल करने के लिए एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है जिसको हम ड्राइवर सॉफ्टवेयर कहते हैं। अगर ये आपका माउस कीबोर्ड अगर कनेक्टेड है कंप्यूटर में और वो चल रहा है तो वह उसका एक छोटा सा प्रोग्राम इंस्टॉल्ड है जिसको ड्राइवर कहते हैं और वो उससे चल रहा है। आपका नेटवर्क एडेप्टर है, चाहे यूएसबी एडेप्टर है, चाहे यूएसबी पोर्ट है, चाहे साउंड है, कोई भी हार्डवेयर ऐसा है जो आपके कंप्यूटर से कनेक्टेड है और फंक्शनल है तो वह उसका सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसको हम ड्राइवर कहते हैं और उसी के थ्रू वह रन कर रहा है।
तो यहाँ से आप कंप्यूटर के उस हार्डवेयर को एनालाइज कर सकते हैं कि यह चल रहा है नहीं चल रहा है, ड्राइवर इंस्टॉल्ड है या नहीं है, हार्डवेयर का प्रॉब्लम है, सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है, वो सारा आपको यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं। तो अगर आपको यह डिवाइस मैनेजर की जानकारी हो गई तो आप अपने कंप्यूटर में बहुत ही आसानी से मैनेज कर सकते हैं किसी भी हार्डवेयर को कि वह चल क्यों नहीं रहा है। अब मान लीजिए कि ये हमारा माउस है, आप यहाँ से किसी भी हार्डवेयर को डिसेबल भी कर सकते हैं और डिसेबल है तो उसे इनेबल कर सकते हैं। डिसेबल का मतलब यह है कि अगर आपने उसको डिसेबल कर दिया तो वह मतलब काम करना बंद कर देगा, उसकी फंक्शन डिसेबल हो जाएगा। जैसे ये माउस है, हमने ये माउस को राइट बटन क्लिक किया और इसको डिसेबल डिवाइस कर दिया, ये देखिए ये डिसेबल हो गया। अब ये माउस का पॉइंटर आपको स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है, मतलब माउस अब नहीं चल रहा है और इसके ऊपर एक एरो का साइन बन गया है जो डाउन एरो का दिख रहा है, इसका मतलब है कि ये डिवाइस को डिसेबल किया गया है। आप इसके ऊपर माउस लाएंगे तो वो इनेबल का ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा, लेकिन माउस आएगा कैसे, क्योंकि ये डिसेबल हो चुका है तो इसमें अगर आप माउस लगाएंगे तो वो नहीं चलेगा। तो आपको कीबोर्ड का हेल्प लेना पड़ेगा, जैसे हम अपने कीबोर्ड के साथ देखिए अप एंड डाउन कर रहे हैं और इस पे आ गए, इस पर हमने राइट बटन क्लिक किया और यहाँ देखिए इनेबल डिवाइस का ऑप्शन आ रहा है। तो अगर हम इसको इनेबल कर देंगे तो ये देखिए माउस का पॉइंटर आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, तो यह माउस चलना शुरू हो गया है। अब इसी के ऊपर देखिए अपडेट ड्राइवर आ रहा है, डिस्प्ले डिवाइस आ रहा है, अनइंस्टॉल डिवाइस आ रहा है, स्कैन फॉर हार्डवेयर चेंज आ रहा है। तो आप यहां से कुछ भी कर सकते हैं, अगर इसका ड्राइवर अपडेट करना है तो आप इसको अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करेंगे तो इसमें दो तरीके का ऑप्शन आएगा, एक तो ऑटोमेटिकली सर्च करने का आएगा और एक ब्राउज करके आप उस ड्राइवर का पाथ दे सकते हैं। अगर आप वह डिवाइस ड्राइवर डाउनलोड किया हुआ है आपने तो उसको यहाँ से आप ब्राउज करके पाथ दे दीजिए, और अगर आपको इंटरनेट से डायरेक्ट सर्च कराना है तो आप यहां से ऑटोमेटिकली सर्च कर दीजिए तो यह इंटरनेट के ऊपर सर्च करेगा। अगर वह ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है कंपैटिबल ड्राइवर, उसको किसी और ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है, तो वह मैसेज देगा कि योर डिवाइस आर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, मतलब इसको अभी किसी भी डिवाइस ड्राइवर को अपडेट करने की या किसी भी डिवाइस ड्राइवर को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया माउस, उसी तरह कीबोर्ड है, उसी तरह सारे डिवाइसेज है। अगर आपको साउंड नहीं आ रहा है तब साउंड का ड्राइवर देख सकते हैं, इसको आप अनइंस्टॉल करके देख सकते हैं, इंस्टॉल करके देख सकते हैं। कई बार क्या होता है कि यह डिवाइस मालफंक्शन हो जाता है, अब इसके ड्राइवर को अपडेट कीजिए या उससे भी नहीं हो रहा है तो इसको अनइंस्टॉल कर दीजिए, दोबारा रीस्टार्ट कीजिए। यह बाय डिफ़ॉल्ट इसके ड्राइवर्स कंप्यूटर के अंदर होता है तो वो इंस्टॉल कर लेगा और ये आपका डिवाइस अगर हार्डवेयर सही है तो चलना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से आप किसी भी डिवाइस को यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं और इसको आप चेक कर सकते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक एक्सक्लेमेशन साइन आ रहा है, इसका मतलब है कि यह अननोन है, ठीक है, यह रिकॉग्नाइज नहीं हो पा रहा है कि कौन सा डिवाइस है, इस पर यह इस तरह का क्वेश्चन मार्क्स आता है। अगर येल्लो आइकन आ रहा है इसके ऊपर, येल्लो आइकन ट्रायंगल का अगर येल्लो आइकन आ जाता है दैट मीन्स है कि इसमें कोई ड्राइवर का इशू है और आपको वो ड्राइवर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके देखना पड़ेगा। इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि कैसे आप फाइंड करेंगे कि इस कंप्यूटर में इस डिवाइस पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है। अब इस डिवाइस मैनेजर में हमें अगर यह देखना हो कि प्रॉब्लम क्या है, कैसे इसको एड्रेस करेंगे, तो मैं उसका कुछ टिप्स बता देता हूँ। अगर आपके किसी भी डिवाइस के ऊपर यहाँ अगर येल्लो एक्सक्लामेशन साइन आ रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए एक ग्रीन क्वेश्चन मार्क आ रहा है, उसी तरीके से अगर यहाँ पे ब्लैक एक्सक्लामेशन साइन आ रहा है, अगर यहाँ पे एक येल्लो ट्रायंगल बनता है और इस पर ब्लैक एक्सक्लामेशन साइन आ जाता है तो इसका मतलब है कि वो हार्डवेयर आपका प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, उस हार्डवेयर में प्रॉब्लम है, आप उस हार्डवेयर को चेंज करके देख सकते हैं। अगर इसके ऊपर येल्लो क्वेश्चन मार्क आ रहा है, मान लीजिए किसी डिवाइस के ऊपर आपको येल्लो क्वेश्चन मार्क अगर आ रहा है, इसका मतलब ये है
कि आपका हार्डवेयर रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा है या फिर उसका जो ड्राइवर सॉफ्टवेयर है वह प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। तो या तो आप उस डिवाइस को रिफिक्स कर लीजिए या फिर उसके बाद आप उसका ड्राइवर सॉफ्टवेयर प्रॉपर इंस्टॉल अनइंस्टॉल करके देख सकते हैं, क्योंकि वह ड्राइवर से रिलेटेड ही इशूज हो सकता है या फिर हार्डवेयर प्रॉपर रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। तो आप ड्राइवर इंस्टॉल कीजिए या प्रॉपर ड्राइवर इंस्टॉल कीजिए तो वह प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। तो आप इस तरीके से यह फाइंड कर सकते हैं कि आपके किस हार्डवेयर में कहाँ पे प्रॉब्लम है, ड्राइवर का प्रॉब्लम है या हार्डवेयर का प्रॉब्लम है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम कई सारे लिंक भी दे देंगे, जिस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपको उसकी डिटेल पता चल जाएगा कि डिवाइस मैनेजर क्या है, कैसे काम करता है, उसके बारे में आपको एक आर्टिकल मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप डिवाइस मैनेजर को हैंडल कर सकते हैं और अपने डिवाइस को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि आपके कंप्यूटर में कौन सा हार्डवेयर काम कर रहा है, नहीं कर रहा है और यह क्या प्रॉब्लम है। और अगर आपको हार्डवेयर का पूरा लिस्ट चाहिए तो उसको आप कमांड के थ्रू भी कर सकते हैं। आप रन में जाइए, यहाँ CMD में जाइए और यहाँ एक कमांड टाइप कीजिए जिसको बोलते हैं ड्राइवर क्वेरी और इंटर कीजिए। या आपके कंप्यूटर में जितना भी इंस्टॉल्ड है डिवाइस ड्राइवर्स ड्राइवर वो सारा लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मॉड्यूल नेम है, डिस्प्ले नेम है, ड्राइवर है और लिंक डेट है, ठीक है। ये पूरी लिस्ट आपको यहाँ पे निकाल कर दे देगा। तो अगर आप एक कंप्यूटर टेक्नीशियन हैं तो आप इस चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने सीखा कि डिवाइस मैनेजर क्या है और इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।